और यहाँ पे आके पता चला कि हमको 10 साल पुराने कपड़े पहनने, मतलब मम्मी मम्मी वाला मैंने 10 साल पुराने कपड़े पहने, मतलब एक बर्थडे पार्टी में जा रहे, योगेश के डैड पता ही हो गया आपको, तो उनकी छोटी मोटी बर्थडे मीन जस्ट ऐसे विश करने जा रहे, तो वहाँ पे जा रहे थे तो मम्मी बोली 10 साल पुराने कपड़े पहने, मीन्स ऐसी मम्मी ने खुद ने पहने ना 10 साल पुराने, इसलिए मम्मी मेरे को बोल रही 10 साल पुराने। तो पापा को भी चंडीगढ़ के टाइम का ड्रेस पहना है, पापा को दिखा दो मैं आपको, पापा थोड़ा वहाँ पे पूजा कर रहे हैं शाम की। ये भी आपका 10 साल पुराना शर्ट है क्या? 10 नहीं 12 साल हो गए, 1200 चंडीगढ़। ये तेरा भी 12 साल पुराना है, अच्छा बोले तो 15-20 साल पुराना शर्ट है, वो भी अभी तक ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी ऐसा बॉक्स में से निकाले। तो मैंने बोला पहनने ने तो कपड़े अंदर रख दिया। और मेरे कपड़े कैसे रहते? कौन रखते हैं? और मेरे कपड़े कैसे रहते? मतलब 2-3 यूज में, क्योंकि मैं आई एम अ बॉय, मैं कैसा भी फटाफट निकालता हूँ, फटाफट यूज देख, हम दोनों के 10-10, 12-12 साल अभी तक फटा हुआ यहाँ से देखो। तो अभी रेडी हो चुके, मेरा 2 महीने पुराने मेरे बर्थडे का, अगर आपने बर्थडे वाला ब्लॉग देख, अरे अभी पापा क्या ढूंढते बैठे पता नहीं क्या हुआ, चलो जल्दी लेट्स गो, बहुत लेट हो गया। ठीक है तैयार अपना झोला क्या है? हाँ उसके टीथ इम्पोर्टेंट है भाई, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दिखा ना वो कैसा है टूट सी का तेरा डब्बा है वो। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड चेरीज पर्स। ओहो, इसके अंदर वो अपने टीथ निकाल के रखती है। मेरे को ये देख के किसकी याद आई पता है क्या? अपने नाना जी, नाना जी का भी सेम ऐसी एक डब्बा है जो अपने उनके जब अरे 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 मजाक। पापा अकेले नीचे जाके खड़े जबकि कार की चाबी मेरे पास है, बिकॉज चेरी लॉक कर रही थी तो उसका वेट कर रहा था। प्लीज क्लोज द डोर तो सुन लिया कर ना चेरी, ऐसे बर्ताव नहीं करते, वो भी एक इंसान है। शट अप, वो इंसान नहीं है, गूगल की बहन है वो, हमारे लिफ्ट में गूगल की बहन नहीं जो जो बोलते रहती है कि प्लीज क्लोज द डोर। तो अभी हम निकल चुके हैं, अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं, जस्ट नहीं पहुंचने वाले क्योंकि अभी ऑटिकल जस्ट निकले हैं। कितना बड़बड़ करते तुम पीछे यार, अरे हमको क्या मालूम, पापा बहुत बात करते हैं। हां तो अभी पापा को ही बोला है उन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह देखने, कहां पे तो पापा यार कुछ अच्छा अच्छा नॉनवेज में कुछ खाने का, बहुत दिन से नहीं खाया यार, बहुत भूख लग रही यार, हमने नहीं यार अभी परसों ही खाया महाबलेश्वर से आधे टाइम, वही बोलने वाला था मैं। हां लेकिन हमने सुबह खाया है ना। हां वो तो है, हमारी डाइट पता है आप सभी को। हां कैसे नहीं, तो हम पहुंच चुके हैं, बहुत खतरनाक भगाई आपके भाई ने, ऐसी भगाई कि 10 मिनट में मतलब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। पर तो आ गए घर पर, तो क्या बोल रहा है, हैप्पी बर्थडे सोनू भैया। और सोनू भैया को बर्थडे की कितनी बोले तो ये कंपनी ने दी, ये ट्री बॉक्स है कितने सारे दिए देखो, उसमें क्या है कमाल की चीज़ आपको दिखाता हूँ, मीन्स ये सीट्स है अलग अलग देखो आप, ये सीट्स और ये उसके नीचे उसके कौन से सीट्स है वो लिखे देखो, ये आउटडोर सीमाल, अभी सीमाल क्या रहता है पता नहीं बट कुछ तो रहता है, मीन्स अपन बाहर जाके किधर अगर प्लांटेशन करना है तो ये बहुत सीताफल, ये सीताफल का लड्डू है, अरे इमली का भी है, कहाँ से आते ये लोग, लड्डू खिलाने का है, खिला उसको लड्डू। अरे इट्स ट्री बॉक्स सीड है, हम जाके अगर ट्रेन में जाते हैं शट अप लेट मी, मैं दुनिया के लिए अच्छी बात कर रहा हूँ, के लिए अच्छी बात कर रहा हूँ। अब ये सीट्स ले जाकर हम कहीं भी लगा सकते हैं, अगर इनके जो साइड से पापा के चल रहे हैं, या मैं अगर ट्रैक पे जाता हूँ किधर आप देखते हो, तो ये सब मैं मीन्स ले जाके नेचर के लिए कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी हूँ नेचर का रक्षक, इको फ्रेंडली, मैं हूँ नेचर का रक्षक। हाँ बस यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट कॉल करो उसके अंदर डालो और पानी डालो, दैट्स इट। को मिला ही नहीं, भाभी के चरण स्पर्श रहता हूँ, प्लास्टर के चरण। लाइट लगी देखो MIT की, बिकॉज कल वो सदगुरु जी आए थे ना, तो थोड़ा बहुत चल रहा है अच्छा, जब ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, मीन्स अंदर क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। ये एक दक्खन वाड़ा करके काफी अच्छा है, ये दक्खन वाड़ा बोले तो क्या रहता है जी, क्या है दक्खन बोले तो? दक्खन श्री शिवाजी महाराज। ओके उनके उनसे रिलेटेड है, तो उनके जैसा पूरा वाइब अंदर आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। पूरा पुराने जमाने जैसा है, यहाँ पे भी मैं वो क्या बोलते हैं मुनीम जी हूँ मैं, देखो
फोन पे बैठा हूँ। आज के 3 करोड़ का कंटेनमेंट का क्या हुआ? आज के ब्लॉग के पैसे आएंगे नहीं? अच्छा ये लोग तो देखो, वो देखो खाली बर्तन में चप्पल पहन के वो खाली बर्तन में कुछ तो बना रही है, और ये देखो ऐसी बस उसमें डालो कुछ आटा। ओ गरम गरम पानी नहाने को लगेगा ना मुझे। चलो चैलेंज हिला के दिखाओ ये। तो अभी हम केक कट कर रहे हैं सोनू भैया का। पहले केक तो खोल ले। हाँ पहले केक खोल रहे हैं फिर कट करेंगे। चेरी को आ रहे थे ये सब जल। ब्यूटीफुल सा पता नहीं क्या है वाटरफॉल, क्या बोलेंगे चेरी से, वाटरफॉल ही बोल सकते हैं। इतना ब्यूटीफुल है देखो, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। और वहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट है, करके दिखा। तरह की सीटिंग मीन्स यहाँ एक चप्पल अपने शूज वगैरह निकाल के आप ऐसे इंडियन स्टाइल बैठ सकते हो खाने को, जो कि अच्छी वाइब है एकदम। बट हम अंदर ही बैठ रहे हैं बिकॉज काफ़ी एजेड लोग हैं, उनको बैठने नहीं आएगा नीचे। फुल ऑन देसी वाइब है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में कैसे होता था वैसे पूरा है। देखो आपको यहाँ दिखाता हूँ, जब भी आपको कुछ भी खाना रेडी होता है यहाँ से देते हैं, फिर वो सब जगह जाते हैं। इधर कुछ इस तरह है किचन, यहाँ पे सब आंटी लोग मस्त मस्त चपाती वगैरह बना रहे हैं। वाह खूब छान, नाइस, गरम गरम भाकरी। ओपन किचन है तो यहाँ पे आपको सब फ्रेशली गरम गरम मिलेगा। अंडा मसाला के भूखे मारे पिछले 1 घंटे से ऐसे बैठे, सबको चक्कर आ रही है, ये खाली हो ही नहीं रहा क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं ना, तो थोड़ा बहुत ये वाला टेबल करने वाले, बट वो अभी तक खा ही रहे। बट ऐसा अच्छा भी लगता है उनके जाके सामने रुक जाए। राजा की चेयर है, ये सब मेरा दरबार है, सब लोग खाते पी खाते हुए अच्छे लग रहे हो गया। बट टू बी ऑनेस्ट बेस्ट फूड, बेस्ट मीन्स ऐसे वाड़ा मीन्स ऐसे फर्स्ट टाइम इतना अच्छा टेस्टी खाना हो सकता है। एम्बियंस के साथ साथ खाना भी टेस्टी। कभी आप आते हो सोलापुर हाईवे पे, मीन्स S4G होटल पता है आपको शायद, S4G पहले मैं गया था उसके ऑपोजिट ही है ये। खाना कैसा था? बढ़िया, बेस्ट खाना था ये। थोड़ा केक लग गया है, इग्नोर करो, अभी चलते हैं। काफ़ी रात हो गई, 12 बजना है हमको पहुँचने, 1 घंटा लगेगा, और इसकी नेल पेंट इग्नोर करो, चलते हैं। बाहर जा रहे हैं अभी, इन्होंने तो गेट बंद कर दिया, अभी जाएंगे कैसे, देखते खुलता है क्या। गया और नया बाबी भी आई है हमारी। बाबी योगेश आपको देख के खुश होगा। हेलो तो चलते अभी, चलो किसके लिए रुके? अच्छा चलते, कुछ नहीं होएगा, डरो मत।